गाइस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कोई भी व्यक्ति जब वो खुद में ही कुछ हो, जैसे आप खुश हो, आप उदास हो, आप छत पे हो, वह पागल है, तो ये सब हमारा क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। यानी आप सीधा ऐसे समझो, कोई भी व्यक्ति वह कुछ काम नहीं करेगा, वह खुद खुश होगा, उदास होगा, छत पे होगा, रूम में होगा, किचन में होगा, तो ये सब हमारा क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे दिस इज अ गाय, यह एक लड़की है, और हो सकता है कि यह लड़की खुश हो, उदास हो, बीमार हो। मान लीजिए कि यह लड़की सैड है, सैड है, तो आप बताइए सैड होना क्या है, कोई काम कर रही है? नहीं, सैड होना क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। सैड होना, बी मतलब होना और स्टेट मतलब अवस्था, इसका अवस्था है सैड होने का। हो सकता है कि लड़की खुश हो, हैप्पी हो सकता है कि लड़की मैरिड हो सकता है कि लड़की किचन में हो सकता है कि लड़की कमरे में हो, रूम में हो सकता है कि लड़की 22 का हो, 22 का, 22 इयर्स ओल्ड। हो सकता है कि लड़की फैट हो, मोटी हो। यदि हमें कहना हो कि यह लड़की पागल है, उदास है, छत पे है, कमरा में है, तब हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका रूल है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। इधर कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ड होगा। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद इज, एम, आर, तीनों में से किसी एक को लिखोगे, फिर इसके बाद आप स्टेट ऑफ बीइंग वाला कोई भी वर्ड लिखना है। अब बताती है कि किसके साथ आप इज पुट करोगे, किसके साथ आप एम पुट करोगे और किसके साथ आप आर पुट करोगे। सो दोस्तों, सिंगुलर के साथ जैसे ही, सी, इट और कोई एक नाम हो, जैसे राम, श्याम, गीता, ललिता, उसके साथ आपको क्या पुट करना है, इज। और यदि आई हो तो आई के साथ आप क्या पुट करोगे, एम। और यदि एक से ज्यादा हो, जैसे राम एंड श्याम, ललिता एंड बबीता, यू, दे, वी, उसके साथ आप पुट करोगे आर। जैसे मुझे कहना हो कि यह लड़की सैड है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, ये लड़की है तो हम क्या लगाएंगे, सी। सी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, सी इज सैड, सी इज सैड, कितना सिंपल है। और यदि हमें बोलना हो कि यह लड़की छत पे है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लड़की है तो क्या लगाएंगे, सी, और सी के साथ इज, कहाँ है, छत पे है, सी इज ऑन द रूफ, सी इज ऑन द रूफ। अब बताती है दोस्तों कि किसी सामने वाला व्यक्ति से जब मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना हो स्टेट ऑफ बीइंग से, तब हम इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। जैसे दिस इज अ गाय, यह एक लड़की है और इसके सामने कोई और व्यक्ति है। अब इस लड़की को इससे क्वेश्चन पूछना है, तो यह लड़की खुद को बोलेगी आई, और ये लड़की इसको क्या बोलेगी, यू, और ये लड़की खुद को बोलेगी आई, और ये लड़की इसे बोलेगी यू, ये खुद को अपने क्या बोलेगी, आई बोलेगी, और ये सामने वाला जो व्यक्ति है इसको क्या बोलेगी, यू बोलेगी, और ये लड़की खुद को आई बोलेगी, और इसके नजर से ये लड़की क्या है, यू है। अब बात होगी आई और यू के बीच में, यानी मेरे सामने कोई व्यक्ति है, मैं उससे बात करूंगी और वह व्यक्ति मुझसे बात करेगा, मैं खुद को आई बोलूंगी
और मैं सामने वाला व्यक्ति को यू बोलूंगी और सामने वाला व्यक्ति खुद को आई बोलेगा और सामने वाला व्यक्ति मेरे को क्या बोलेगा यू बोलेगा। सो गाइस इसका कुछ रूल है, आर यू प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। अभी मुझे क्या बात करना है, सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग से बात करना है। सो दोस्तों रूल के अनुसार सबसे पहले इस लड़की को क्या बोलना होगा, आर यू, फिर इसके बाद बोलेगी स्टेट ऑफ बीइंग वाला कोई भी वर्ड। जैसे इस लड़की को बोलना हो कि क्या तू पागल हो, तब इंग्लिश में कैसे बोलेगी, क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो, तो सबसे पहले लड़की को क्या बोलना होगा, आर यू, आर यू, फिर इसके बाद बोलेगी स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, मैड, यहां लगा देगी मैड, आर यू मैड। अब इस लड़की को यदि हाँ बोलना होगा कि हाँ मैं पागल हूं, तब लड़की कैसे बोलेगी, हाँ मैं पागल हूं, सबसे पहले क्या बोलेगी, यस, और खुद के लड़की क्या बोलेगी, आई, और आई के साथ क्या लगता है दोस्तों, एम, आई एम, और पागल की इंग्लिश क्या होता है, मैड, मैड, यस आई एम मैड। और इसी लड़की को यदि नहीं में बोलना हो कि नहीं मैं पागल नहीं हूं, तब ये लड़की क्या बोलेगी, नहीं मैं पागल नहीं हूं, तब ये लड़की बोलेगी नो, नो आई एम नॉट, नेगेटिव है तो नॉट लगाऊंगी मैं, नो आई एम नॉट मैड, नो आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूं। अब इस लड़की को इससे क्वेश्चन करना है और ये लड़की आंसर देगी। इस लड़की को बोलना हो कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो, तब ये लड़की क्या बोलेगी, आर यू एजुकेटेड, आर यू एजुकेटेड। अब इस लड़की को यस में आंसर देना है कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, तब लड़की बोलेगी यस आई एम एजुकेटेड, यस आई एम एजुकेटेड। और यदि इस लड़की को नेगेटिव में आंसर देना हो कि नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो लड़की बोलेगी नो आई एम नॉट एजुकेटेड, नो आई एम नॉट एजुकेटेड। अब ये लड़की इससे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकती है स्टेट ऑफ बीइंग से। जैसे ये ने बोला आर यू फैट, अब ये लड़की क्या बोलेगी, नो आई एम नॉट फैट। अब ये बोली आर यू इन द किचन राइट नाउ, ये लड़की बोलेगी नो आई एम नॉट इन द किचन राइट नाउ। इसी तरह से क्या होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, एक क्वेश्चन करेगी और एक रिप्लाई देगी यस और नो में। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको खुद से क्वेश्चन करना है और खुद आपको आंसर देना है। जैसे आर यू अ स्टूडेंट, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आर यू अ टीचर, यस आई एम अ टीचर, आर यू एजुकेटेड, यस आई एम एजुकेटेड, आर यू बैड गर्ल, नो आई एम नॉट बैड गर्ल, आर यू इल, नो आई एम नॉट इल, आर यू ऑन द रूफ राइट नाउ, यस आई एम ऑन द रूफ राइट नाउ, आर यू इन द किचन राइट नाउ, नो आई एम नॉट इन द किचन राइट नाउ, आर यू इन द रूम राइट नाउ, यस आई एम इन द रूम राइट नाउ, आर यू इन द पार्क राइट नाउ, नो आई एम नॉट इन द पार्क राइट नाउ, आर यू इन द मार्केट, नो आई एम नॉट इन द मार्केट, आर यू हैप्पी, यस आई एम हैप्पी, आर यू इंटेलिजेंट, यस आई एम इंटेलिजेंट, आर यू सैड, नो आई एम नॉट सैड, आर यू मैरिड, नो आई एम नॉट मैरिड। सो दोस्तों इसी टाइप से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। सो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हो और यदि आपके पास कोई पार्टनर नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप खुद से क्वेश्चन करो और खुद से आंसर दो। मैं भी इसी तरह प्रैक्टिस करती हूँ, आप सच में कोशिश करके देखो, आप इंग्लिश बोल पाओगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना
और यदि आप इस क्लास को फर्स्ट बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि मैं कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आसानी से आप तक पहुंच सके।